हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है, वाई इज इक्वल टू दिस। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट आपने लॉग लगा दिया कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ये एक्चुअली लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है। लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो ऐसा मत लिख देना कि लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू दिस, गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इसको यू और वी मानोगे, तो दिस हैज टू बी यू, दिस हैज टू बी वी। सो हमने वाई इज इक्वल टू आपने लिख दिया यू प्लस वी। तो जब आपने ये वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी लिखा, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा पहले डी यू बाई डी एक्स, देन हमको निकालना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स। इसको निकालने के बाद अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, क्लियर है। तो यू कितना हो गया हमारे पास, अब हम यू और वी निकालेंगे। तो वी हैव यू इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, तो हमारे पास यू ये हो गया एंड वी हमारे पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यू निकालते हैं, तो यू निकालने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब इसमें आप लॉग ले सकते हो इंडिविजुअल निकालने के लिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आपने लॉग लिया तो यू आपके पास बनेगा लॉग यू, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, तो आपके पास बनेगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, ये क्लियर है। ये एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब एक बात समझो, ध्यान से इस बात को देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या, क्या चीज, ये वाली चीज। एक बार बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बेटा क्या ये फॉर्मूला नहीं है लॉग एम इंटू एन का? तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है भाई, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यही तो होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको यूज करके आप लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो या इसको यहाँ पे यूज करेंगे और हमको मिल जाएगा कि लॉग यू इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट लॉग एम प्लस एन को यूज करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम एक्चुअली ये लॉग एम इंटू एन है, तो लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है जिसको हमने यूज किया, दिस इज वन आइडेंटिटी, इसको हमने यूज किया है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये क्या हो गया, ये हो गया लॉग यू इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड, तो हमें मिलेगा क्या, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बात सुनिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको जब करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एंटायर होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम दैट इज लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, फर्स्ट फंक्शन सेम लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो 1/cos x, और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x। एक बच्चा बोला मुझे समझ नहीं है क्या लिखा, भाई मैंने इतनी बार बता दिया बेटा कि लॉग एक्स पूरा एंटायर एक्स है तो 1/x हो जाएगा लॉग एक्स का, और फिर कॉस एक्स है -sin x, फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आया 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये बचा 1+log x ब्रैकेट प्लस। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो माइनस आ जाएगा, देखो ये -sin x/cos x होगा, तो एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इधर आ जाएगा, एक्स sin/cos हो जाएगा 10x प्लस log cos x, ये पूरा ब्रैकेट होगा, और बेटा ये जब यू यहाँ से हटेगा ना तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाना, यही तो होगा। ये जब यू यू मल्टीप्लाई में आएगा तो आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
यहां से एक चीज हो सकती है क्या? देखो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि du by dx इज इक्वल टू u, कितना है u आ जाएगा x cos x की पावर x, ये आया 1 प्लस log x, ठीक है, 1 प्लस log x यहाँ पे है, तो आप इसको ब्रैकेट पे लिख लीजिए, ये आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे लिखिए प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, ये लिख सकते हैं ऐसे, ये लिखा जा सकता है ना, आप इसको ब्रैकेट पे रख लीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैनिपुलेशन है इसमें और कुछ नहीं करना है, du by dx इज इक्वल टू x, आप इसको अगर ब्रैकेट यहां से हटा भी दो तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस x tan x, लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं, बट बेटा एक log m प्लस log n क्या लिख देंगे, log m into n, log m into n, डाउट आ गया कि सर कैसे लिखा, बेटा मैं कह रहा हूँ ये रहा log, ये है m, ये है log, ये रहा n, तो क्या हो जाएगा log m into n, log m plus log n m into n, तो m क्या है x, ये रहा x, n क्या है cos x, ये रहा cos x, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में, कैसे आया मैंने वो बता दिया, तो आप इसको एक ब्रैकेट पे बंद कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया आपके पास du by dx, dv by dx निकालने के लिए पहले v चाहिए आपको, तो v आपको चाहिए होगा, v हमारे पास है कितना, x sin x की पावर 1 अपॉन x, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी हैव लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन x, अगेन इस पे फॉर्मूला लगेगा लॉग, बेटा log m की पावर n, log m, तो यही तो आएगा, ठीक है। अब log m into n, देखो ये पूरी एक ही चीज है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिए, तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला अभी जो बताया मैंने, 1 अपॉन x log m into n, log m plus log n, ठीक है, ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, या आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन x log x प्लस 1 अपॉन x log sin x, इसका डिफरेंशिएशन आसान नहीं होगा बेटा, डिफरेंशिएशन विल गोइंग टू बी टफ, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब देखिए डिफरेंशिएशन कितना टफ हो सकता है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसको, आप एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप वीडियो बार बार देखिए बट आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़े से यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये हो जाएगा dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये ले लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये इन दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी फंक्शन कुछ भी ले लो फर्स्ट सेकंड, ये फर्क पड़ेगा इंटीग्रेशन, खैर तो आपने लिया फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड लॉग एक्स का 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, उसको मिटा भी दूंगा अभी, जैसे 1 अपॉन x है इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ध्यान रखना, ये क्या होगा u अपॉन v लगेगा इसमें, तो डिनोमिनेटर dy बाई dx ऑफ न्यूमरेटर, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, माइनस न्यूमरेटर dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो dy बाई dx 1 अपॉन x का जो होता है वो कितना हो जाएगा जी, ये 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा हमेशा, तो dy बाई मैं यहाँ लिख देता हूँ कि dy बाई dx जो होगा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, किसका
वाई इज इक्वल टू 1/x का, ये होता है। ठीक है, ये खैर बहुत बेसिक सी चीज है, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बहुत बार बताई भी है, ये इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे बार बार क्योंकि कोई बच्चे इसी वीडियो पे एंट्री लेंगे तो वो पहले की चीज तो नहीं पता। तो लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन से हम डिफरेंस प्लस सेकंड डिफरेंस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा -1/(x)² प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का 1/(sin x) और sin x का हो जाएगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v। बेटा कैलकुलेशन है, टफ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ बोलूंगा मैं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा नहीं है। तो 1/(x)² माइनस log x/(x)² ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, अभी बताता हूँ क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1/(x) cos/sin हो जाएगा cot x -1/(x)² log sin x। क्लियर है? ठीक है जी, अब एक बात सुनिए, आप इस पूरी टर्म में एक चीज कीजिए, इस पूरी टर्म में x² ले लीजिए LCM, तो आपके पास बचेगा 1 - log x प्लस x cot x -log sin x, मुझे लगता है यही आएगा आपके पास, आना भी चाहिए यही। ठीक है, अब आप ये v जब बेटा यहाँ से हटेगा ना, तो ये v चला जाएगा इधर, ये v जब इधर जाएगा तो v मल्टीप्लाई होगा, तो dv/dx आपके पास आ रहा होगा, dv/dx आपके पास आएगा, v जो है v है x sin x की पावर 1/x, और ये अंदर बन रहा है 1 - log x माइनस log sin x प्लस x cot x upon x² ठीक है, तो ये आया dv/dx। आपको dy/dx निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो dy/dx है वो है du/dx प्लस दिस, तो du/dx आया था, अगर आप ऊपर जाके देखो तो du/dx है हमारे पास x cos x 1/x, मतलब मैं लिख देता हूँ x cos x ब्रैकेट 1 - x tan x था, और प्लस log x cos x होना चाहिए, प्लस log x cos x log x cos x ठीक है जी, और dv/dx को ऐड करेंगे तो प्लस x sin x की पावर 1/x ब्रैकेट 1 - log x log sin x प्लस x cot x अपॉन ये cot x / अपॉन x² ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, लेंदी है बट टफ तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल लेंदी बोल सकते हैं, टफ बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन लोगे, log m - log n हो जाएगा, log m + log n log m - log n, इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो log m - log n log m * n कर लीजिए, ये लॉग देखिए माइनस कॉमन लोगे log m + log n होगा, log m + log n log m * n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे log x sin x हो जाएगा ये, ठीक है वैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। मतलब मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको अगर चेंज करके दिखा दूं, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो पता है क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बनेगा, माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट बनेगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ये ब्रैकेट, और log m + log n जो होगा log m + log n ये हो जाएगा log m * n, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, ये जो टर्म हटते हुए ये पता है क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा प्लस का, मतलब ये माइनस तो बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा log x sin x, सिंपल सी बात है, अब प्लस x cot x तो था ही वहां पे, प्लस x cot x तो ये है ही, क्या है ये प्लस x cot x ठीक है, वो मैं इसलिए आपको लिखा दिया यहाँ पर क्योंकि बाद में कहीं आप देखो तो आपको लगे ना कि ये क्या लिखा है, आंसर कैसे आ गया, तो कुछ नहीं है, log m + log n log m * n ऊपर करा रखा मैंने ऐसा। ठीक है जी, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन लेंथी जरूर था बट थोड़ा बहुत टिपिकल है, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो,
इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ठीक है? तो अगर आपको डाउट होगा तो पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।